हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक प्रेरणा नाम की लड़की को देखेंगे जो कि प्रेग्नेंट होती है। जब कुछ लोग जनगणना के लिए उसके पास जाते हैं तब ये लोग उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। तब प्रेरणा इन लोगों से ये बोलती है, बच्चे जैसे ही पैदा होकर बाहर आते हैं वो थोड़ा रोते हैं और इसके बाद मर जाते हैं। ये सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन इससे भी भयानक एक सच्चाई जो कि इन लोगों को पता चलने वाली थी, क्योंकि प्रेरणा की अब तक शादी नहीं हुई थी और प्रेरणा के पिता ही उसके साथ दरिंदगी करते थे। जब प्रेरणा उन्हें ऐसा करने से रोकती थी तब घर के सारे लोग प्रेरणा को बहुत मारते थे। जब इन लोगों को ये सच्चाई पता चलती है तब इन दोनों लड़कियों के साथ भी वैसा ही होता है। इन दोनों को वो दरिंदे पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग इनके साथ क्या करते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुनसान इलाके में बने हुए घर से होती है जो कि देखने में ही काफी डरावना लग रहा था। तभी वहाँ एक प्यासा इलेक्ट्रिशियन आता है जो कि उस घर में जाकर पानी मांगता है। तभी इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक अनुजा नाम की लड़की को देखते हैं। उसे एक स्कूल में जॉब मिला था। अगले ही दिन अनुजा को एक नेहा नाम की लड़की के साथ गांव में जनगणना करने के लिए भेजा जाता है। अनुजा और नेहा मिलकर एक गांव की जनगणना पूरी करते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी स्कूटी लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। ये लोग जब उस दूसरे गांव में पहुंचते हैं तभी इन लोगों की नज़र एक घर पर जाती है जो कि गांव से काफी दूर सुनसान इलाके में बना हुआ था। ये लोग जनगणना करने के लिए इस घर में भी जाते हैं। तभी इन लोगों को प्रेरणा नाम की एक लड़की यहाँ मिलती है जो कि लगभग इन्हीं की उम्र की थी। देखने में प्रेरणा की हालत काफी बुरी लग रही थी। वो लोग यहाँ देखते हैं प्रेरणा प्रेग्नेंट है। प्रेरणा को प्रेग्नेंट देखकर अनुजा उसके बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर वो लोग बहुत दंग रह जाते हैं। प्रेरणा का कहना था उसका बच्चा है ही नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होकर बाहर आते हैं और थोड़ी देर रोते हैं और फिर मर जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें अनुजा और नेहा को काफी अजीब लगती है। प्रेरणा के अलावा इस घर में तीन लोग और थे जिनमें से एक लीला नाम की बूढ़ी औरत थी। इनका नौकर भोला और इसके अलावा एक इंसान और था। लेकिन प्रेरणा इन लोगों को ये क्लियर नहीं बताती है कि वो इंसान प्रेरणा का क्या लगता है। लेकिन अनुजा उस शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में लिख लेती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अनुजा को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है और ये लोग सोचती है शायद प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता होगा। और अगले ही दिन अनुजा फिर से नेहा को उस घर में जाने के लिए बोलती है और वो कहती है हमें उस घर में जाना चाहिए ताकि हम उस घर की सच्चाई जान सके। लेकिन नेहा उस घर से डरने लगी थी इसलिए वो वहाँ जाने से मना करती है। लेकिन अनुजा की जिद करने पर नेहा मान जाती है। ये लोग बिना किसी को बताए उस घर में आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद इस बार इन लोगों को प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम घनश्याम था। यहाँ इन लोगों को ये बात पता चलती है ये लोग यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत भी रखा हुआ है जिनमें से 3 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल अभी बाकी है। ये सुनकर अनुजा और नेहा को उस घर के लोग बहुत अजीब लगते हैं और साथ ही साथ ये घर भी बहुत डरावना था। अनुजा और नेहा जल्दी से अपनी इंक्वायरी पूरी करती हैं और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश काफी जोर से हो रही थी इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनुजा और नेहा को ये लोग रहने के लिए अलग रूम देते हैं लेकिन ये लोग यहाँ बहुत डरे हुए थे जिसकी वजह से इन्हें नींद नहीं आ रही थी। तभी अनुजा खिड़की से बाहर देखती है और वो इस नज़ारे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि घर के बाहर छोटे से बने झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। ये देखने के बाद अनुजा बहुत डर जाती है और वो नेहा को भी ये बात बताती है। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं इन्हें अभी तुरंत ही इस घर से निकलना चाहिए और ये लोग यहाँ से भागते हुए एक बार उस झोपड़ी में जाते हैं ताकि ये लोग देख सके आखिर वहाँ क्या है। ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं इन्हें एक आदमी वहाँ मिलता है जिसे बेड़ियों से बांधा गया था और वो आदमी इन लोगों पर हमला कर देता है जिससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग थोड़ी दूर जाते हैं वहाँ इन्हें इस भयानक जंगल में बहुत से जंगली जानवरों की आवाजें आती हैं। इसके बाद ये लोग वापस इसी घर में आ जाते हैं और अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। ये लोग सोचते हैं इस घर वालों को ये बात पता नहीं होगी कि वो लोग घर के बाहर जाकर झोपड़ी में एक इंसान को देख चुके हैं। अगली सुबह जैसे ही होती है ये लोग वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त इधर वो बूढ़ी औरत घनश्याम को बताती है वो दोनों लड़कियां रात में घर से बाहर गई थी। ये सुनते ही घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और इसके बाद उन दोनों को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर उन दोनों को बहुत पीटते हैं और बड़ी बेरहमी से बांधकर उन दोनों को अपने घर के नीचे बने हुए बेसमेंट में डाल देते हैं जहां उन लोगों को हर रोज बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था और जब भी ये लोग चिल्लाती थी तब इन लोगों को जानवरों की तरह पीटा जाता था। जब ये लोग बाहर निकलने के लिए चिल्लाती थी तब इनके ऊपर खौलता हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये दोनों यहाँ बेसमेंट में बैठकर बहुत रोती हैं। नेहा अब मान चुकी थी कि उनका यहाँ से निकलना बिल्कुल नामुमकिन है लेकिन तभी अनुजा को यहाँ उस घर का गटर पाइप मिलता है जहाँ से इस घर का गंदा पानी निकलता था।
इसके बाद ये लोग उसी पाइप से बाहर निकलती है और वो लोग यहाँ से भागने से पहले फिर से उसी झोपड़े में जाते हैं जहाँ इन लोगों ने उस बंधे हुए आदमी को देखा था। और ये आदमी कोई और नहीं, वही प्यासा इलेक्ट्रिशियन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि इस घर में सिर्फ पानी मांगने के लिए आया था। और वो इलेक्ट्रिशियन इन दोनों को बताता है उसने इस घर में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी थी, जिसके बाद इन दरिंदों ने उसे यहाँ कैद कर दिया। इससे पहले कि ये लोग यहाँ से निकल पाते, नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। वो घनश्याम और उसके नौकर से नेहा के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं ऐसी कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई है। जब नेहा का भाई जाने लगता है तब वो यहाँ गिरा हुआ एक की रिंग देखता है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है ये तो उसकी बहन नेहा का है। इसके बाद वो फिर से घनश्याम के पास जाता है और वो अब ये समझ चुका था कि नेहा इन्हीं के पास है, लेकिन घनश्याम और भोला उसे मना करते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं आया है, लेकिन नेहा का भाई मानने को तैयार नहीं था। तभी भोला और घनश्याम मिलकर नेहा के भाई को यहीं पर मार देते हैं। अपने भाई को मरता हुआ नेहा भी देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद घनश्याम और भोला इलेक्ट्रिशियन को भी मार देते हैं और ये लोग नेहा और अनुजा को भी फिर से पकड़ लेते हैं। भोला और घनश्याम मिलकर फिर से इन दोनों को कैद कर देते हैं, लेकिन इस बार इनकी दरिंदगी बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि इधर घनश्याम अनुजा को नोच रहा था, वहीं दूसरी ओर भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये लोग हर रोज नेहा और अनुजा के साथ दरिंदगी करते हैं। एक रात प्रेरणा इन दोनों को पानी पिलाने के लिए आती है। प्रेरणा यहाँ मेंटली बहुत बीमार थी, लेकिन वो यहाँ नेहा को कुछ ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद नेहा की रूह भी कांप जाती है। प्रेरणा उसे बताती है घनश्याम उसका पति नहीं बल्कि पिता है और वो उसे बात बात पर बहुत मारता है, और घनश्याम ने ही उसकी माँ को भी मार दिया था। और वो बताती है पापा मेरे साथ रोज दरिंदगी करते हैं और प्रेरणा के पेट में जो भी बच्चा है वो घनश्याम का ही है, और जब भी प्रेरणा बच्चे को जन्म देती थी भोला और घनश्याम मिलकर बच्चे को मार देते थे। इधर अनुजा भागने की कोशिश करती है और वो ऊपर से कूद जाती है। वो घनश्याम और भोला से बहुत गुस्सा थी और वो इन लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इनके भैंस वाले झोपड़े को जला देती है। जब घनश्याम और बाकी लोग जलता हुआ झोपड़ा देखते हैं तब भोला चाकू लेकर अनुजा को मारने के लिए जाता है और वो अनुजा का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। यहाँ इन दोनों की फाइट होती है, लेकिन अंत में अनुजा भोला को ही मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेरणा को देखते हैं जो कि यहाँ से निकलने में नेहा की मदद कर रही थी, और नेहा यहाँ से निकलते हुए बाहर अनुजा के साथ जाकर मिल जाती है, लेकिन अनुजा का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वो घनश्याम को भी मारना चाहती थी जिसने उसके साथ तो दरिंदगी की ही थी, साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ा था। इसके बाद अनुजा फिर से उसी घर में जाती है। यहाँ अनुजा घनश्याम को ढूंढती है और इन दोनों की लड़ाई इस घर के छत पर होती है। इन दोनों के काफी लंबी फाइट होने के बाद अनुजा घनश्याम को भी मार देती है। इधर घनश्याम की माँ लीला नेहा को मारने वाली थी, लेकिन नेहा भी उस पर हमला कर देती है और वो भी उस बुढ़िया को मार डालती है, जिसके बाद ये लोग उस घर से बाहर आती हैं और ये लोग एक जगह पर बैठ जाती हैं। इन्होंने तीनों दरिंदों को मारकर प्रेरणा को भी उनसे आजादी दी थी, क्योंकि घनश्याम की माँ भी जानती थी घनश्याम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। इसके बाद हम लोग मूवी के आखिर में ये देखते हैं वो दरिंदे इस घर में पहले ही 13 लोगों को मार चुके थे, जिनमें से 9 लड़कियों के साथ इनके नौकर भोला ने दरिंदगी की थी। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनका पहला शिकार थी। सिर्फ अनुजा और नेहा ही ऐसे दो लोग थे जो कि उन दरिंदों को मारकर वहां से जिंदा बाहर आए थे। इस मूवी का नाम था वेलकम होम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।